उधर हाथरस में कुछ महिलाएं बाबा सूरजपाल के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि बाबा को फंसाने की साजिश रची जा रही है। बाबा सूरजपाल पूरी तरह से निर्दोष हैं और वो उनके लिए भगवान हैं। हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत के बाद भले ही बाबा सूरजपाल फरार चल रहे हों, लेकिन उनके समर्थकों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि आगरा में बाबा की कुटिया में अभी से लोगों का आना जारी है। भले ही बाबा यहाँ 15 साल से ना आए हों, लेकिन उनके अनुयायी वहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि बाबा को फंसाने की साजिश की जा रही है। टाट लोग गए थे, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर होता तो सबके लिए होता, ये साजिश रची हुई है। महिला सेवादारों का कहना है कि सत्संग वाली जगह से बाबा के निकल जाने के बाद भगदड़ मची और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हरी जी की कोई गलती नहीं है, वो 1:30 बजे हरी जी वहाँ से गाड़ी निकल जाती है, उसके बाद हम खुद अपनी बस पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम खुद सेवादार हम बस पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद ये घटना होती है, हमारे बस पे सुना था। इन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि बाबा सूरजपाल को फंसाया जा रहा है।